बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज का पहला मैच है जी बिटवीन पंजाब और बोस सुल्तान के दरमियान जी। बोस सुल्तान ने जीता है जी टॉस और बैटिंग करेगी जी बोस सुल्तान अगेंस्ट पंजाब। बोस सुल्तान के ओपनर आ रहे हैं जी वकास अहमद और शुएब। आज का दूसरा मैच होगा जी बिटवीन रेडिच और लाई लायंस, रेडिच स्पार्टन्स और लाई लायंस के दरमियान। और तीसरा और आखिरी मैच आज का होगा जी बिटवीन डेडली बुलेट्स और लाई स्टार्स के दरमियान। इम्पोर्टेंट मैचेज हैं जी बिटवीन रेडिच, लाई लायंस, डेडली बुलेट्स और लाई स्टार्स के। जो टीमें आज मैच जीतेंगी सेमीफाइनल की तरफ एक कदम बढ़ा लेंगी जी। देखते हैं कि आज कोई टीम कंफर्म हो पाती है सेमीफाइनल के लिए या नहीं। सेमीफाइनल की दो टीमें कंफर्म होंगी लेकिन मुकाबला है तीन। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल, ठीक हो? तीन टीमों के दरमियान मुकाबला है जी, रेडी स्पार्टन्स, डेडली बुलेट्स और लाई स्टार्स। इन तीन टीमों में से दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी जी। देखते हैं कि कौन ये नंबर पक्का कर पाता है जी। हेलो साहिल बेदी, हाउ आर यू ब्रदर? फाइन, थैंक यू। पहले ओवर का आगाज होने लगे जी, जरा जूम सेट करते हैं जी। स्ट्राइक पे आ गए जी शुएब और उनका साथ देने आए वकास अहमद। ब्रदर जमाल, जमाल जवाद, बोल हिज नेम प्लीज। ओ इज ना हियर येट, सच ये सच साजिद। थ्री ऑल टाइम्स, थ्री फील्डर, कीपर एंड बॉलर, फाइव। सीमत साउद, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू सीमत साउद। अच्छा जी, आज का पहला मैच स्टार्ट होने लगा है जी पंजाब और बोस सुल्तान के दरमियान। साजिद हैं जी पहले बॉलर, पहला ओवर कराने के लिए पंजाब की तरफ से आए हैं जी साजिद। फेस करेंगे उनको शुएब। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल साजिद, बॉल की अच्छी बॉल साजिद की, कट करने के लिए गए थे शुएब लेकिन कामयाब नहीं हो सके। साजिद स्ट्राइक पे हैं जी शुएब। साजिद एक बार फिर बॉल करेंगे शुएब को। साजिद आए बॉल की, अच्छी बॉल थी, डिफेंड किया, रन आउट होने का खतरा, अच्छी थ्रो
स्क्वेयर लेग के फील्डर की, लेकिन विकटों को हिट करने में नाकाम रहे। एक रन का इजाफा मोस सुल्तान के स्कोर में। स्ट्राइक पे आगे जी वकास विकी, मोस सुल्तान के कैप्टन, अच्छे बैट्समैन है वकास अहमद। देखते हैं कि आज कैसी बैटिंग करते हैं मोस सुल्तान के लिए। साजिद एक बार फिर आए बॉल की, आराम से प्यार से खेला वकास अहमद ने। एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर हैं जी, अच्छी फील्डिंग उनकी। एक रन का इजाफा। साजिद एक बार फिर स्ट्राइक पे शुएब, पहले ओवर का खेल जारी। साजिद आए बॉल की, अच्छी बॉल इस दफा पॉइंट पे। जवाद है फील्डर, एक और रन का इजाफा मोसो सुल्तान के स्कोर में। साहिर रहमान, अल्लाह का शुक्र है ब्रदर, अपनी सुनाओ। हयात अली, वालेकुम सलाम ब्रदर, हाउ आर यू। साजिद एक बार फिर आए बॉल की, अच्छी बॉल। अच्छा मोहतात आगाज मोसो सुल्तान का, चार बॉलों पे चार, तीन सिंगल लिए जी। साजिद आए शुएब को बॉल की, शुएब की शॉट लॉन्ग ऑन पे कैच का खतरा, और ये शुएब आउट हो गए जी। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पे फील्डर का, पहली विकेट गिर गई है जी मोसो सुल्तान की। आज आपको जी हम ज़रा कैमरा मैन ही दिखाएंगे ज़्यादा, ठहरे जी पहले मैं देख लूँ कि कैसे घूमता है, इसको सेट करें पहले। ठीक है जी, घुमाएंगे जी आज कैचेस आपको, मैं पूरी कोशिश करूँगा जी कि हर कैच और हर छक्का आपको ज़रूर दिखाऊँ जी आज। कल तोफ है, तोफ तोफ वी स्कोरिंग, बॉलर नेम जुनेद, जुनेद आए जी दूसरा ओवर करने के लिए पंजाब की तरफ से। जुनेद आए बॉल की, अच्छी शॉट एक्स्ट्रा कवर पे, फील्डर की कोशिश लेकिन बॉल रोकने में नाकाम रहे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। सॉरी जी मैंने कैमरा नहीं फेरा, लेकिन अब फेरूंगा जी, याद नहीं रहती जी, अब फेरेंगे जी कैमरा। कमेंट्री थोड़ी कम करेंगे जी और कैमरा वर्क करते हैं जी आज, देखते हैं कि कैसा चलता है काम। जुनेद अच्छी कट शॉट, फील्डर की कोशिश लेकिन बॉल रोकने में नाकाम। चार रन्स। एक तरफ कैमरा सही जाता है, दूसरी तरफ थोड़ा स्ट्रगल है जी, पर मैं कोशिश करता हूँ जी। जुनेद एक बार फिर बॉल करेंगे, वकास को आए बॉल की, अच्छी शॉट, कवर पे फील्डर है मौजूद, अच्छी फील्डिंग। एक रन का इजाफा मोसो सुल्तान के स्कोर में। वालेकुम सलाम सैयद शाहिल खावर, वालेकुम सलाम खलील अहमद, वालेकुम सलाम तंजीर रहमान। जुनेद एक बार फिर बॉल करेंगे जी नए बैट्समैन को, अच्छी शॉट इस बार वाइड लॉन्ग ऑन पे, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं बॉल रोकने का। चार रन्स। हाउ आर यू ब्रदर तंजील, शैल भाई आज नहीं आए, बिजी हैं आज। जुनेद एक बार फिर, नए बैट्समैन का नाम पता करते हैं, मेरे ख्याल से फैसल है जी नए बैट्समैन। अच्छी शॉट, कवर पे फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन मिल पाएगा जी मोसो सुल्तान को। वकास है, फैसल है ना, आ हेलो शेख खान, हाउ आर यू ब्रदर शेख खान। जुनेद बॉल करेंगे जी वकास को, दूसरे ओवर का खेल जारी है जी। अच्छी शॉट एक्स्ट्रा कवर पे, अच्छी फील्डिंग।
ओके शेल भाई, टेक केयर ब्रदर। आकिब है, आकिब, आकिब अजर भाई इथू कवर कर सी। वालेकुम सलाम अहमद तारक भाई, हाउ आर यू? फैसल जी ऑन स्ट्राइक, साजिद बॉलर। साजिद आए बॉल की, अच्छी शॉट, फील्डर ने गेंद के पीछे लेकिन है बॉल रोकने में नाकाम। गेंद गई है जी बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। दो ओवरों के अख्ताम पे वोस और सुल्तान का स्कोर है जी एक विकेट के नुकसान पे 18 आफ्टर टू ओवर्स। तीसरे ओवर का खेल जारी है जी, पहली बॉल पे चौका लगाया है जी फैसल ने। साजिद एक बार फिर बॉल करेंगे, फैसल को आए बॉल की और इस बार बीट हुए, रन आउट होने का खतरा लेकिन फील्डर अच्छी थ्रो नहीं कर पाए जी। एक लेग बाई का रन, बाई का रन मिलेगा जी। साजिद एक बार फिर स्ट्राइक पे आ गए नहीं वकास। साजिद आए बॉल की, अच्छी शॉट फाइन लेग पे, कोई फील्डर मौजूद नहीं, चार रन। स्कोर हो गया जी 27। तीसरे ओवर का खेल जारी है जी, एक विकेट गिरी है वोसर सुल्तान की। शुएब आउट होने वाले बैट्समैन शुएब। मोहम्मद कैसर राजा, थैंक यू ब्रदर। साजिद बॉल करेंगे वकास को, साजिद आए बॉल की, अच्छी कट शॉट, गली में कोई फील्डर मौजूद नहीं, चार रन। सुपर शॉट भाई वकास अहमद। स्कोर बढ़ता हुआ 31। तीसरे ओवर का खेल जारी मैच है जी बिटवीन पंजाब और मोसल सुल्तान। साजिद एक बार फिर बॉल करेंगे वकास को, आए बॉल की, एक और अच्छी कट शॉट लेकिन इस बार कवर पे फील्डर है मौजूद। अच्छी फील्डिंग जुनेद की, एक रन का इजाफा मोसल सुल्तान के स्कोर में। सोनी मैच का मैच कल हो गया जी, सोनी मैच का मैच अब नेक्स्ट वेंसडे को होगा जी इंशाल्लाह। साजिद एक बार फिर बॉल करेंगे, फैसल को आए बॉल की, अच्छी बॉल, एक रन का इजाफा बॉल सुल्तान के स्कोर में। खान सफीर भाई लीग मैचेस हैं जी, आज नौवां मैच है जी इस ग्रुप का। इंशाल्लाह 10 डेज टाइम होगा जी सेमीफाइनल और फाइनल इस लीग का। देखते हैं कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से जाती है सेमीफाइनल में। पहले ग्रुप में गई है जी दो टीमें वेंसडे का जो ग्रुप था उसमें दो टीमें गई हैं जी सेमीफाइनल में, डडली सीसी और आस्टन सीसी। अब इस ग्रुप का इंतज़ार है जी, देखते हैं कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप में से जाती हैं सेमीफाइनल में। ओह अच्छी शॉट फैसल की, फाइनल लेग पे कोई फील्डर मौजूद ही, चार। ए बॉलर नेम ओके कीपर सॉरी अश्विन आ गए जी बॉलर, पंजाब के नए बॉलर हैं जी अश्विन। स्ट्राइक पे हैं फैसल, पहली बॉल पे चौका लगाया फैसल ने। अश्विन एक बार फिर आए बॉल की, अच्छी शॉट, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, बॉल कलेक्ट करने में नाकाम रहे, एक रन का इजाफा वोस सुल्तान के स्कोर में। अमर रफीक विकेट सेम ब्रदर, अभी थोड़ा इजी ले रहे हैं वोस सुल्तान। अश्विन एक बार फिर आए बॉल की, अच्छी शॉट फाइन लेग पे, फील्डर ने गेंद के पीछे, दो रन का इजाफा वोस सुल्तान के स्कोर में। आफ्टर 3 ओवर्स वोस सुल्तान का स्कोर था जी 40। चौथा ओवर कर रहे हैं अश्विन, स्ट्राइक पे हैं वकास। अश्विन आए बॉल की, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद लेकिन सिंगर रोकने में नाकाम, एक रन का इजाफा। अमर रफीक वालेकुम सलाम, आफ्ताब शाह वालेकुम सलाम ब्रदर, साजिद बशीर वालेकुम सलाम,
अश्विन एक बार फिर बॉल करेंगे फैसल को। अश्विन आए बॉल की और ये फैसल का सुपर शॉट ओवर लॉन्ग ऑन छक्का फैसल का जी। अच्छे बैट्समैन है वो फैसल है वो सुल्तान के पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं जी फैसल। सादत बशीर भाई थैंक यू वेरी मच अल्लाह का शुक्र है जी। अपनी सुनाए राजा आकिब ये वकास है जी टिप्टन से इनका ताल्लुक है जी वकास अहमद वो सुल्तान के कैप्टन वकास। अश्विन एक बार फिर फैसल पूरी कोशिश करेंगे एक और छक्का लगाने की देखते हैं कि कामयाब हो पाते इस बार कि नहीं। अच्छा छक्का लगाया फैसल ने। अश्विन एक बार फिर बॉल करेंगे फैसल को। अश्विन आए बॉल की इस बार कट किया फैसल ने अच्छी शॉट थर्ड मैन के फील्डर की अच्छी कोशिश है दो रन का इजाफा वो सुल्तान के स्कोर में। ठीक है आफ्टर फोर ओवर्स वो सुल्तान का स्कोर हो गया जी 49 फॉर वन आफ्टर फोर ओवर्स। बॉलर नहीं प्लीज बॉलर नेम हामन सॉरी। वालेकुम सलाम जी एवरीवन यूनस राजा भाई वालेकुम सलाम यूनस राजा साहब फाइन ब्रदर। हामन आए जी बॉल करेंगे वकास को फुल टॉस बॉल ओवर स्क्वेयर लेग सिक्स रन्स। कौन है शोल्डर तो तले ही सी कौन ही विकास डेंजरस नहीं सी अच्छा जी। हामन की पहली बॉल है फुल टॉस बॉल थी मेरे ख्याल में वार्म अप नहीं हुए हुए थे अब वार्म अप हो रहे हैं। स्पिनर शोल्डर है ना मेरे ख्याल से शोल्डर होती है नहीं हामन एक बार फिर बॉल करेंगे विकास को आए बॉल की एक और फुल टॉस एक और अच्छी शॉट ओवर डीप स्क्वेयर लेग सिक्स रन्स। स्पिन की मेरे ख्याल शोल्डर होती है विकास चेक करेंगे रूल। अच्छा जी बताएं जी कि स्पिन बॉलर की वेस्ट हाई होती है या शोल्डर हाइट होती है फुल टॉस नो बॉल जरा हमारे इल में भी इजाफा करें जी देखने वाले। स्पिन बॉलर की बताएं जी कि नो बॉल जो होती है वो वेस्ट हाई है या शोल्डर हाइट हमारे इल में इजाफा देखते हैं कौन करता है भाई आज। हामन एक बार फिर बॉल करेंगे वकास इस ओवर में दो छक्के और एक चौका लगा चुके हैं वकास इस बार अच्छी बॉल कराई हामन ने फील्डर थे डीप स्क्वेयर लेग पे आके फील की एक रन का इजाफा। राजा आकिब कह रहे हैं जी सेम होती है अच्छा ठीक है जी मेरा अंदाज़ा था कि शोल्डर हाइट होती है स्पिन की लेकिन राजा आकिब कह रहे हैं जी कि अच्छी शॉट फैसल की और कवर्स पे अच्छी फील्डिंग सिर्फ एक रन बनाने का मौका मिलेगा अश्विन थे फील्डर अच्छी फील्डिंग अश्विन की। ठीक है जी राजा आकब भाई नोट कर लिया जी आपका पॉइंट। हाँ मैंने एक बार फिर बॉल करेंगे वकास को अच्छी शॉट इस बार वकास की कवर पे किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं बॉल रोकने का चार रन्स। नहीं बशीर भी कह रहे हैं जी वेस्ट आई ओके ब्रदर। आफ्टर फाइव ओवर्स वो सुल्तान का स्कोर हो गया जी 71 फॉर वन आफ्टर फाइव आवर्स टू मिनट्स ब्रेक हो गई है जी। आपको इस दौरान हम ग्राउंड दिखा देते हैं जी ग्राउंड का नज़ारा कराते हैं जी। ये है जी हमारा लाइव क्रिकेट क्लब
महकमा मौसमियात के मुताबिक आपको अपडेट करते हैं जी मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने आज बताया जी बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की हवाएँ भी चलेंगी और सूरज निकलने का कोई चांस नहीं आज शाम को तक। सो इसी वेदर से गुजारा करने पड़ेगा और ठंड भी अच्छी खासी होगी शाम को। लिहाजा महकमा मौसमियात का जो चेयरमैन था उसने कहा है जी कि कोट जैकेट्स वगैरह पा लें ताकि आपको सर्दी ना लगे जी। सो वी आर फुली रेडी। नहीं बशी सब कह रही वेस्ट आई होती है स्पिन बॉलिंग की भी। सो ठीक है सर, लग गया जी पता। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ए बॉलर नेम प्लीज, सॉरी टड, ओ टड हैंडरसन। मेरे ख्याल से टड हैंडरसन है, इज नेम इज टड हैंडरसन। ओके टड हैंडरसन आ गए जी, अच्छे प्लेयर हैं पंजाब के। टड हैंडरसन अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, देखते हैं कि आज पंजाब के लिए। मेरे ख्याल कैप्टन ने इनको देर से लेके आए हैं, इनके टॉप बॉलर हैं टड हैंडरसन, लेकिन छठे ओवर में लेके आए कैप्टन इनको। देखते हैं इसके पीछे क्या राज है। फैसल है, फेस करेंगे टड को। फैसल टड आए बॉल की, अच्छी बॉल टड की, सिंगल के लिए खेला फैसल ने। स्कोर हो गए जी 72 फॉर वन। छठे ओवर का खेल जारी है जी। हयात अली, हयात अली भाई ज़बरदस्त मैच होंगे आज, फिक्र ना करें आपको चस आएगी, थोड़ा इंतज़ार करें। ये मैच भी ज़बरदस्त होगा। टड हैंडरसन आए बॉल की, अंपायर का इशारा स्लो बॉल की थी, टड हैंडरसन ने वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वालेकुम सलाम शाहिद ज़िया भाई, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू ब्रदर शाहिद ज़िया। टड हैंडरसन एक बार फिर अच्छी शॉट, इस बार फाइनल के लिए खेला वकास ने, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं बॉल रोकने का। चार रन्स, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वकास अहमद आज, वॉल्स ऑफ सुल्तान के कैप्टन। अच्छा जी शाह ज़िया भाई कह रहे हैं जी स्लो बॉलर इज डेफिनेटली शोल्डर हाइट, दैट्स व्हाट आई थिंक। शाह ज़िया भाई के शोल्डर हाइट होती है स्पिन बॉलर के लिए, लेकिन कुछ हमारे नाजरीन कह रहे हैं कि नहीं वेस्ट हाई होती है। चेक करेंगे जी गूगल से बिट लेटर ऑन, पर आई एम श्योर इस शोल्डर हाइट। हयात अली लाई, यस ब्रदर लाई। टड हैंडरसन एक बार फिर आई, अच्छी बॉल इस बार डिफेंड किया वकास ने, एक रन का इजाफा। मौसु सुल्तान के स्कोर में, छठे ओवर का खेल जारी है जी। स्कोर हो गया जी 78। स्ट्राइक पे आ गए जी फैसल। इंस्टाग्राम में और मैं आप वीडियो देखते होंगे, टिकटॉक पे टिकटॉक स्टार हैं जी फैसल। ऑन स्ट्राइक टड हैंडरसन आए बॉल की, अच्छी शॉट फैसल की, ओवर लॉन्ग ऑन, लंबा छक्का फैसल का, ये दूसरा बड़ा छक्का। सुपर बैट्समैन है ये, सिर्फ ना सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम के सुपरस्टार हैं, बल्लेबाजी में भी अपने कलम कमालात दिखा रहे हैं जी आज फैसल। एक बार फिर फेस करेंगे टड हैंडरसन को। टड आए बॉल की, अच्छी शॉट इस बार, डीमिड विकेट पे फील्डर मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग, एक रन का इजाफा वोसो सुल्तान के स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 85। छठे ओवर का खेल जा रही है जी, जो कर रहे हैं टड हैंडरसन। टड हैंडरसन भी अच्छे बल्लेबाज हैं, देखते हैं आज वो कितने छक्के लगाने में कामयाब होते हैं पंजाब की तरफ से। टड आए बॉल की, अच्छी कट शॉट, कीपर रोकने में नाकाम रहे। चार रन, स्कोर बढ़ता हुआ 89 आफ्टर 6 ओवर्स। वो सुल्तान का स्कोर है जी 89। यस यस आ जा, अंपायर नु दस देना। बॉलर नेम प्लीज, नो वरन, वरन वरन जी न्यू बैट्समैन है, वरन आए जी सातवां ओवर करने के लिए। वरुण फेस करेंगे उनको फैसल। वरुण आए बॉल की, ओ
और ये इस बार बड़ा ही लंबा छक्का जी, बॉल मेरे ख्याल में कैमरे में नहीं आएगी, लेकिन सुपर शॉट बाय फैसल, जबरदस्त छक्का जी फैसल का, तीसरा लंबा छक्का लगाया फैसल ने, ओवर लॉन्ग ऑन, सुपर बैटिंग बाय फैसल, टिक टॉक लेजेंड। स्कोर हो गया जी 95, सातवें ओवर का खेल जारी। वरुण एक बार फिर बॉल करेंगे फैसल को, वरुण आए बॉल की, अच्छी बॉल, इस बार फुल बॉल मारी है वरुण ने, दो रन का इजाफा वोसो सुल्तान के स्कोर में, जो हो गया जी 97। देखते हैं कि वोसो सुल्तान कितना टारगेट दे पाती है आज, पंजाब को लगता है बड़ा टारगेट सेट करेगी वोसो सुल्तान पंजाब के लिए। वरुण एक बार फिर बॉल करेंगे फैसल को, आए बॉल की, फुल टॉस बॉल, छक्का लगाने की कोशिश, लेकिन लॉन्ग ऑन का फील्डर बॉल रोकने में नाकाम रहा, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन्स। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जी फैसल, वरुण एक बार फिर बॉल करेंगे फैसल को, वरुण आए बॉल की, अच्छी शॉट, ओवर लॉन्ग ऑफ, लंबा छक्का फैसल, लंब हुए हुए जी आज, मेरे ख्याल से आज ये देसी कुकड़ और देसी अंडे खा के आए जी, लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं फैसल। पूछते हैं इनसे ब्रेक में जी आज क्या खाया था लंच में। सुपर बैटिंग फैसल की, स्कोर बढ़ता हुआ 105, सातवें ओवर का खेल जारी, अभी तक सिर्फ एक विकेट लूज की है वोसो सुल्तान ने। वरुण महंगा ओवर, वरुण का अब तक 18 रन दे चुके हैं, चार बॉलों पे 18 रन दे चुके जी वरुण। वरुण एक बार फिर बॉल करेंगे फैसल को, वरुण आए बॉल की, एक और अच्छी शॉट फैसल की, ओवर एक्स्ट्रा कवर, सिक्स रन, सुपर बैटिंग बाय फैसल। फैसल आज धुआंधार बैटिंग करते हुए, वोसो सुल्तान की तरफ से स्कोर हो गया जी उनका, वोसो सुल्तान का 113। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है जी नेक्स्ट, रेडिच स्पार्टन्स और लाइल लाइंस के दरमियान। रेडिच स्पार्टन्स के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है, अगर सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बनानी है तो आज का मैच रेडिच स्पार्टन को हर हाल में जीतना पड़ेगा जी। लेकिन लाइल लाइंस भी अच्छी टीम है, देखते हैं कि उन्होंने एक बार फिर इस बार लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, गेंद गिरी है जी मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑन से फील्डर आए और हर हामन ने कलेक्ट की बॉल, दो रन का इजाफा, महंगा ओवर है पंजाब की टीम की तरफ से, स्कोर हो गया जी 115। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था जी आज रेडिच स्पार्टन और लॉयल लायंस के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले की तवक्को है जी। देखते हैं कि रेडिच स्पार्टन पिछले हफ्ते की तरह आज भी लॉयल लायंस को बीट करने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि आज का मैच रेडिच स्पार्टन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मैच, डडली बुलेट्स चौधरी अंसर महमूद की टीम का मैच है जी लाई स्टार्स बिलाल हसन के साथ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम इन दोनों में से मैच जीतेगी उसका सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे जी। रेडिच स्पार्टन्स, डडली बुलेट्स और लाई स्टार्स, देखते हैं कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम जाएगी जी सेमीफाइनल में। स्टे ट्यून्ड फॉर एक्साइटिंग मैचेस कमिंग नेक्स्ट। बॉलर नेम प्लीज, फराज, पंजाब के नए बॉलर आ गए जी फराज। स्कोर 115 आफ्टर 7 ओवर्स, 115। फराज एक बार फिर बॉल करेंगे, वकास को आई बॉल की, फुल टॉस बॉल थी और उस जबरदस्त शॉट वकास की, गेंद गई डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। आज वकास भी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं जी, थोड़ा लेट हो गए लेकिन अच्छी कोशिश की वोसो सुल्तान ने सेमीफाइनल में जाने के लिए, लेकिन पीछे रह गए।
वासव सुल्तान, अच्छी टीम थी वासव सुल्तान की। फराज एक बार फिर अच्छी शॉट, इस बार गली से खेले वकास, चार रन्स। अंपायर का इशारा के नो बॉल है जी, वेस्ट आई नो बॉल। फराज एक बार फिर बॉल करेंगे जी, फ्री हिट है, देखते हैं कि वकास फ़ायदा उठाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। फराज आए बॉल की, फुल टॉस बॉल, इस बार फिर गली में खेले, लेकिन इस बार फील्डर वहाँ मौजूद, अच्छी फील्डिंग है, बाउंड्री लाइन पे दो रन का इजाफा वासव सुल्तान के स्कोर में, जो हो गया जी 126। आठवें ओवर का खेल जारी, बॉलर है जी फराज, स्ट्राइक पे हैं वकास अहमद। फराज आए बॉल की, एक और फुल टॉस बॉल, इस बार पॉइंट से बॉल गई है जी डी पॉइंट पे, चार रन्स। फराज ने चार बॉलें की और मेरे ख्याल में चारों ही बॉलें फुल टॉस थी जी, लाइन एंड लेंथ पकड़ने में नाकाम है अभी तक फराज। फराज एक बार फिर बॉल करेंगे वकास को, इस बार एक्स्ट्रा कवर पे सुपर शॉट वकास की, हाँ मैंने कोशिश जरूर की लेकिन बॉल रोकने में नाकाम रहे, चार रन्स, 50 हो गया जी वकास की, वेल बैटिंग वकास अहमद। स्कोर हो गया जी 134। फराज एक बार फिर आए बॉल की और एक और फुल टॉस बॉल, इस बार डीप कवर पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, चार रन्स, महंगा ओवर पंजाब की तरफ से फराज ने कराया है जी। देखते हैं कि वकास अहमद की टीम वासव सुल्तान हाईएस्ट टोटल बीट करने में आज कामयाब हो पाते हैं या नहीं, मेरे आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द हाईएस्ट, आई थिंक 170 समथिंग हाईएस्ट है। देखते हैं कि वासव सुल्तान आज वो बीट करने में कामयाब होती है नहीं। आफ्टर 8 ओवर्स उनका स्कोर है जी 138 आफ्टर 8 ओवर्स। जुनेद आ गए जी न्यू बॉलर, बॉल करेंगे वो फैसल को, जुनेद आए बॉल की, कैच होने का खतरा और अच्छा कैच जुनेद का, फैसल को आउट कर दिया जी अपनी बॉलिंग पे, इजी कैच जुनेद का, बोलो नेम जुनेद है ना, जुनेद ने विकेट ले ली जी फैसल की। नए आने वाले बैट्समैन हैं जी साजिद नज़ीर, मोहम्मद इरफान भाई थैंक यू वेरी मच, हबीबुर रहमान हमें देख रहे हैं जी पाकिस्तान से। हबीब भाई व्हेन यू कमिंग बैक, बैडमिंटन है वेटिंग है। जुनेद एक बार फिर बॉल करेंगे जी, अभी भाई उत्थे रह होना, बोरिस जॉनसन और फिर लॉकडाउन करने लगे ने, सो टेक योर टाइम। जुनेद एक बार फिर बॉल करेंगे जी साजिद नज़ीर को, जुनेद आए बॉल की, फुल टॉस बॉल, इस बार साजिद नज़ीर का कैच होने का खतरा, हैंडरसन ने बॉल के नीचे ड्रॉप कर दिया जी टार्ड ने, लेट आए बॉल के नीचे। वालेकुम सलाम हबीबुर रहमान भाई, हाउ आर यू ब्रदर हबीब। जुनेद एक बार फिर बॉल करेंगे वकास को, आए बॉल की, अच्छी शॉट, इस बार कवर पे फील्डर मौजूद है फराज, अच्छी फील्डिंग, एक रन का इजाफा वासव सुल्तान के। नौवां ओवर का खेल जा रहा है जी, स्कोर हो गया जी 141। जुनेद एक बार फिर बॉल करेंगे साजिद को, आए बॉल की, अच्छी शॉट, इस बार साजिद नज़ीर की ओवर डी मिड विकेट, छक्का जी, पहला भी छक्का मारने की कोशिश की थी लेकिन मिडल नहीं कर पाए थे साजिद नज़ीर, लेकिन दूसरी बॉल पे लंबा छक्का ओवर डी मिड विकेट। हबीब रहमान थिंकिंग टू चेंज दिस डेट, ठीक है, यस ब्रदर आई थिंक यू शुड,
बिकॉज बोरिस जॉनसन और लत्थी तेड़ी ना कोई नहीं पता इसलिए क्या होना करना पे। एक हफ्ते खाओ पियो ईट आउट हेल्प आउट तो दूसरे हफ्ते लॉकडाउन। ज़िशान अहमद वालेकुम सलाम ब्रदर ज़िशान अहमद फाइन ब्रदर तुस अपनी सुनाओ ठीक हो। जुनेद बोल करेंगे जी वकास को जुनेद आए बॉल की अच्छी शॉट लॉन्ग आर्म के फील्डर की कोशिश बॉल रोकने की अच्छी फील्डिंग है। दो रन का इजाफा वोसो सुल्तान के स्कोर में। मोहम्मद इरफान भाई कोशिश करते हैं जी किसी किसी बॉल पे किसी टाइम याद ही नहीं रहता जब याद आती है तो मैं ज़रूर घुमाता हूँ जी पूरी कोशिश करूँगा जी एटलीस्ट छक्का ज़रूर कवर करूँ छक्का और कैच। तंजीर रहमान भाई व्हाट डू यू प्ले तंजीर भाई एंड वेयर टाइम एंड प्लेस द सेयर प्लीज। जैक अमीन नो ब्रदर इज इन बर्मिंघम इंग्लैंड। आखिरी ओवर करने के लिए आगे जी हारमन आफ्टर 9 ओवर्स वोसो सुल्तान का स्कोर है जी 149। हारमन स्ट्राइक पे जी साजिद नज़ीर हारमन आए बॉल की इस बार लॉन्ग ऑन पे कैच होने का खतरा अच्छा कैच अश्विन है फील्डर आई थिंक ब्रदर यू हैव टू स्टे इन दो फील्डर थे इनसाइड द सर्कल तीन होने चाहिए थे एम्पायर का इशारा लेग अंपायर तो फी कन्वर का कि ये नो बॉल है। हामन एक बार फिर बॉल करेंगे वकास को अच्छी शॉट थी हामन ने कोशिश की बॉल रोकने की एक रन का इजाफा बॉसो सुल्तान के स्कोर में। जैक मीन सॉरी ब्रदर आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस to do commentary in English I will update you score and everything else in English I'll try my best but brother my English is not very good so we are sorry for that. ek bar phir achhi char long off pe fielder maujood the lekin catch unki pahunch se dur ek run ka izafa थर्सडे 7 o'clock तजील भाई आई विल ट्राई जैक अमीन भाई आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपडेट यू स्कोर एंड एवरीथिंग एल्स इन इंग्लिश। हामन एक बार फिर बॉल करेंगे वकास को अच्छी बॉल रन आउट होने का खतरा लेकिन बच गए जी। मोहम्मद इरफान भाई आपको दिखाते हैं पूरा ग्राउंड इनिंग का खात्मा होने दें। हामन एक बार फिर बॉल करेंगे जी वकास को हामन आए बॉल की स्विच हिट कवर पे फील्डर मौजूद एक रन का इजाफा ये इस लीग का दूसरा हाईएस्ट स्कोर हो गया जी 154 पहला हाईएस्ट स्कोर है 170 प्लस बाय लाइव स्टार्स आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन बीट दैट। हामन एक बार फिर बॉल करेंगे साजिद नज़ीर को डी मिड विकेट पे फील्डर हैं जी टॉड हंडरसन बॉल उनकी पहुंच से दूर गिरी एक रन का इजाफा स्कोर हो गया जी 155। आखिरी बॉल करेंगे जी हारमन स्ट्राइक में वकास छक्का मारने की कोशिश करेंगे। हारमन की बॉल अच्छी बॉल सिर्फ एक रन मिल पाएगा जी वोसो सुल्तान को। मोसो सुल्तान की इनिंग का हो गया जी खात्मा इन्होंने टारगेट दिया है पंजाब को ये मैच जीतने के लिए 157 इन 10 ओवर्स लंबा टारगेट है। देखते हैं कि पंजाब के पास भी दो चार आज बहुत ही अच्छे बैट्समैन नज़र आ रहे हैं टॉड हैंडरसन अगर खड़े रहते हैं अर्ली भेजते हैं कैप्टन उनको और वो एंड तक खड़े रहे तो पूरा चांस है पंजाब को ये मैच जीतने के लिए। देखते हैं क्या बनता है जी ग्राउंड आपको दिखा देते हैं जी ये है जी ग्राउंड पंजाब की टीम
ठीक है जी, ग्राउंड आपको दिखा दिया है। फवाज़ राजी, फवाज राजी भाई राइट टॉप कॉर्नर पे देखिए ज़रा, आपको हमारा एड्रेस नज़र आ रहा है, ये राइट टॉप कॉर्नर में शहर का नाम, क्रिकेट क्लब का नाम और मुल्क का नाम भी लिखा हुआ है। ज़रा बताएं कमेंट करके कि आपको पता लग गया या नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ जी। वकास ने किए होंगे जी 60 प्लस रन किए हैं जी वकास अहमद ने वोसो सुल्तान की तरफ से। टारगेट है पंजाब को 10 ओवरों में ये मैच जीतने के लिए 157। आज का दूसरा मैच होगा जी बिटवीन रेडिच स्पार्टन्स और लाई लायंस के दरमियान, कांटेदार मुकाबले की तोक्को है जी। पिछला मैच रेडिच स्पार्टन ने जीत लिया था लाई लायंस से, देखते हैं कि 1-1 होता है या 2-0। फवाज राजी भाई कंट्री का नाम ही लिखा हुआ है भाई, झंडा भी लगाया हुआ है भाई, क्या कर रहे हैं भाई फवाज राजी। हाँ जी तौफीक, यू ओके? सोनी कितने? सोनी वेर आर यू सोनी? सोनी को उसी सी साइड पर है, चिट्टी चमड़िया ने आसपास है। अच्छा वकास अहमद को कह रहे हैं जी सोनी के मेरे हीरो हैं, ठीक है जी। आज बहुत ही अच्छा खेला है जी आपका हीरो, 60 प्लस रन बनाए हैं जी वकास अहमद ने। गुड फवाज राजी भाई बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है जी। सब दोस्तों को जो देख रहे हैं जी हमें लाइव, आपको थोड़ा जैसा ग्राउंड दूर से दिखाते हैं जी। सब प्लीज़ हमारा पेज को शेयर करें, लाइक करें जी हमारे पेज को, लाइक क्रिकेट क्लब पेज को लाइक करें जी। शेयर दिस मैच, शेयर अवर वीडियोस, थैंक यू वेरी मच। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जी, यूट्यूब चैनल भी आपको बॉटम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा हमारे स्पॉन्सर्स के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शॉक बॉय डैम, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको सारी हाइलाइट्स हमारे लीग मैचों की वहाँ नज़र आएंगी, बेस्ट बैट्समैन की हाइलाइट्स, बेस्ट बॉलर्स की, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल शॉक बॉय डैम। वालेकुम सलाम बिलाल हसन, बिलाल हसन भाई हाउ आर यू ब्रदर। बिलाल हसन का अगला आज रात 9 बजे मैच है जी, अगर लंबे लंबे छक्के देखने हैं बिलाल हसन के तो रात 9 बजे ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा, अच्छा मैच होगा डडली बुलिस के साथ। डडली बुलिस कोशिश करेगी कि बिलाल हसन को किसी तरीके से आउट कर पाए। बिलाल हसन ने मेरे ख्याल में 8 मैचों में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 850+ रन किए हैं जी, जिससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बिलाल हसन कितने सुपर से भी 2 कदम ऊपर बैट्समैन है जी बिलाल हसन। आज देखते हैं कि एक बार फिर अगर वो 10 मैचों में 10 फिफ्टियां कर पाएँ तो ये रिकॉर्ड होगा जी, मेरे ख्याल से पहले ही साल में ये रिकॉर्ड जाएगा जी बिलाल हसन के नाम। वालेकुम सलाम मूसा शब्बीर। फवाज राजी भाई वेरी हार्ड ब्रदर, वेरी हार्ड टू ब्रिंग प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट्स वेरी हार्ड ब्रदर। बिलाल हसन भाई मैं कोई झूठ बोलिया? ब्रदर यू डिजर्व एवरी प्रेज फॉर यू। व्हाट क्या होया? अच्छा ठीक, वालेकुम सलाम सर क्या हाल है, ठीक हो? लाइव हो यो को नीचे? लाइव जी लाइव, लाइव चल रहे हैं। अच्छा जी पंजाब के ओपनर आ गए जी टॉड हेंडरसन, ये लाओ। टॉड हेंडरसन पे डिपेंड कर रही है जी, मेरे ख्याल से टॉड हेंडरसन ही नज़र आ रहे हैं जी। नो प्रॉब्लम बिलाल हसन भाई वेलकम। वालेकुम सलाम मूसा शब्बीर।
सलमान खान मलिक भाई फाइनल तो हम कराएंगे, देखते हैं इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स पे अभी तक उन्होंने कोई रूल नहीं लगाया, लेकिन उम्मीद है कि रूल बनने से पहले पहले हम अपना फाइनल करा लेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं जी, दुआ करेंगे बोरिस जॉनसन को 2 हफ्ते तक इस बात की याद ना आए, स्पोर्ट्स की तरफ ना आए। ठीक है जी, अभी तक उसने कहा है जी 6 पीपल रूल जो है वो सिर्फ हाउस टू हाउस है मेरे ख्याल से, क्रिकेट पे अभी पाबंदी नहीं है। सो होपफुली वी शुड बी ऑलराइट फॉर आवर सेमी फाइनल एंड फाइनल्स। सोहेल खान भाई, ये आप राइट टॉप कॉर्नर पे देखे ना हमारे एड्रेस लिखा हुआ है, आपको पता लग जाएगा जी कि कहाँ हो रहा है। वालेकुम सलाम सोहेल खान। अवैस, अच्छी बॉल अवैस की। जमाल हैं जी ऑन स्ट्राइक, जमाल आ गए जी, टॉड एंडरसन का साथ देने आए जमाल। अगर ये मैच पंजाब को जीतना है तो टॉड एंडरसन को धुआंधार बैटिंग करनी पड़ेगी आज। अवैस एक बार फिर बॉल करेंगे जमाल को, अवैस आए बॉल की, अच्छी बॉल अवैस की, कट करना चाहते थे जमाल, बीट हुए, अच्छी कीपिंग है। जुक्की शबीर, ये जी जुक्की शबीर, ये सुपर फील्डर भी हैं जी, आज कीपिंग कर रहे हैं जी। अवैस अच्छे बॉलर हैं जी, बोसा सुल्तान के। अवैस एक बार फिर आए बॉल की, अच्छी शॉट इस बार शेबी बॉल के पीछे, लेकिन बॉल रोकने में नाकाम। 4 रन्स, 157 का टारगेट दिया है जी बोसा सुल्तान ने पंजाब को। इन दोनों बैट्समैनों पे डिपेंड करता है, पंजाब की तरफ से भारी जिम्मेदारी है इन दोनों बैट्समैनों पर, देखते हैं कि कैसा आगाज करते हैं ये दोनों बैट्समैन। अवैस एक बार फिर आए बॉल की, अच्छी शॉट इस बार, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं जी, वकास अहमद हिमसेल्फ टीम कैप्टन, 1 रन का इजाफा। वालेकुम सलाम अहमद रजा, हाउ आर यू ब्रदर अहमद रजा, यू ओके। अवैस एक बार फिर स्ट्राइक पे आ गए जी, टॉड हैंडरसन, टॉड हैंडरसन भी अच्छी हिटिंग करते हैं, देखते हैं आज कामयाब हो पाते कि नहीं। पहला मैच खेल रहे हैं पंजाब की तरफ से, अवैस आए बॉल की, अच्छी शॉट, ओवर एक्स्ट्रा कवर, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन्स। पहले ओवर के अख्ताम पे पंजाब का स्कोर है जी 10। सलमान खान मलिक, यस ब्रदर, आई थिंक वी शुड बी ऑलराइट। बोरिस जॉनसन का कोई अता पता नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी ऐलान कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि क्रिकेट को नहीं छेड़ेगा जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है इंग्लैंड में। सो उनका सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले कोई चांस नहीं है क्रिकेट बैन होने का, ये मेरा अंदाज़ा है। इंशाल्लाह शुड बी ऑलराइट, होप फॉर द बेस्ट। अहमद रज़ा भाई, आपका मैसेज क्या था भाई, आपका सलाम का जवाब दिया जी, आपका मैसेज मैं चेक करता हूँ। अहमद रजा भाई आपका जवाब दिया है जी, रजवान आए जी, बॉल करेंगे, अच्छी शॉट जमाल की, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है जी वकास, 1 रन का इजाफा। रजवान स्ट्राइक पे आ गए जी, टॉड हैंडरसन, रिजवान आए बॉल की, टॉड एंडरसन को, अच्छी बॉल, लेग बाई का 1 रन। अहमद रजा भाई, टॉप राइट कॉर्नर पे हमने एड्रेस लिखा हुआ है, कंट्री का नाम, सिटी का नाम और क्लब का नाम, आप ज़रा पढ़ के बताएं, कमेंट करें कि आपको पता लग गया है कि कहाँ हो रहे हैं ये मैच, ज़रूर कमेंट करना अहमद रजा भाई। रिजवान बॉल करेंगे जमाल को, आए बॉल की, अंपायर का इशारा कि यह है वाइड बॉल, स्कोर हो गया जी 13। दूसरे ओवर का खेल जारी, टारगेट है 157, लंबे लंबे छक्के मारने पड़ेंगे अगर पंजाब को ये मैच जीतना है जी। देखते हैं कि कैसी बैटिंग करते हैं पंजाब के ये दोनों ओपनर्स। रिजवान एक बार फिर आए बॉल की, अच्छी शॉट,
एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद है, एक रन का इजाफा। अच्छा जी, अब ज़रा हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जी, जिन स्पॉन्सर्स ने हमारे क्रिकेट क्लब को स्पॉन्सर्स किया है जी इस लीग को रन करने में और क्लब को रन करने में। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। टॉप पे हैं जी हमारे टॉप स्पॉन्सर्स, हमारे कुछ टॉप स्पॉन्सर्स हैं जी, उनमें हैं जी मलिक्स रेस्टोरेंट पेडमा रोड लाई। थैंक यू वेरी मच मलिक रेस्टोरेंट लाई। फिर हैं जी कैसल कार्स डडली, रिजवान एक बार फिर आई बॉल की अच्छी शॉट, कैसल कार्स डडली हमारे क्लब के चेयरमैन भी हैं जी, राजा उमर कयूम। थैंक यू वेरी मच उमर कयूम। उमर कयूम की हेल्प के बगैर बड़ा मुश्किल था जी, उन्होंने बड़ी हेल्प की है लाइक क्रिकेट क्लब की। थैंक यू वेरी मच कैसल कार्स एंड राजा उमर कयूम। अच्छी शॉट वैसे नीचे और ये आउट हो गए जी जमाल। अच्छा जी, फिर हैं जी हमारे एक और सुपर स्पॉन्सर्स रियो पीरी पीरी जोएब तारक भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पॉन्सरिंग अवर क्लब। थैंक यू वेरी मच। फिर हैं जी बाल्टी बाजार लाई। थैंक यू वेरी मच ब्रदर बाल्टी बाजार, आपका भी स्पॉन्सर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हैं जी स्टेशन ग्रिल जो हैं जी स्टाबी बस स्टेशन के पास। थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स स्टेशन ग्रिल। अच्छी शॉट टेड हेंडरसन की लॉन्ग ऑन पे, अच्छी फील्डिंग, एक रन का इजाफा। सो थैंक यू वेरी मच स्टेशन ग्रिल। और फिर हैं जी हमारे स्पॉन्सर्स ए बी एम टैक्सी स्टारब्रिज। थैंक यू वेरी मच ए बी एम टैक्सी स्टारब्रिज। फिर उनके साथ हैं जी रॉबर्ट्स हिल ऑप्टिशंस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। रॉबर्ट्स हिल ऑप्टिशंस लाई हाई स्ट्रीट। फिर हैं जी हमारे स्पॉन्सर 24/7 ब्रेक डाउन रिकवरी, चौधरी अंसर महमूद 24/7 रिकवरी। थैंक यू वेरी मच चौधरी अंसर महमूद फॉर स्पॉन्सरिंग लाई क्रिकेट क्लब। उसके साथ हैं जी फिर मैक्रन सैलविच साउथ भाई। थैंक यू वेरी मच साउथ भाई फॉर स्पॉन्सरिंग लाई क्रिकेट क्लब। ये हैं जी ओल्ड हिल में मैक्रन सैलविच। उसके बाद हैं जी ऑटो शाइन ब्लैक हीथ। थैंक यू वेरी मच ऑटो शाइन। मेरे ख्याल में मैंने नाम लिए हैं जी काफ़ी सारे। फिर है जी ट्वाइस द स्पाइस। ओ कैच होने का खतरा था लेकिन जुकी कैच करने में नाकाम गएंगे बाउंड्री लाइन के बाहर। ट्वाइस द स्पाइस डटली। थैंक यू वेरी मच ट्वाइस द स्पाइस। ये थी भी थे हमारे कुछ मेन स्पॉन्सर्स। थैंक यू वेरी मच ऑल अदर स्पॉन्सर्स। कुछ और स्पॉन्सर्स भी हैं जी, उनका नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। बहरहाल सब स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिन जिन स्पॉन्सर्स ने लाई क्रिकेट क्लब को स्पॉन्सर किया और हमारी हेल्प की जी। थैंक यू वेरी मच एवरी वन। अवैस एक बार फिर बॉल करेंगे, अच्छी कट शॉट इस बार, अच्छी कीपिंग जुकी बैट्समैन है ना पूछे ना, जमाल हैं जी न्यू बैट्समैन है। पंजाब का स्कोर है जी 26, तीसरे ओवर का खेल जारी जो कर रहे हैं जी अवैस। अगला सुपर मैच आ रहा है जी रेड स्पार्टन्स और लाई लायंस के दरमियान, आग बरसेगी दोनों तरफ से। देखते हैं कि कौन सी टीम आज मैच जीतने में कामयाब हो पाती है। तीन ओवरों के अख्ताम पे पंजाब का स्कोर है जी 27। टॉड हेंडरसन अभी तक
छक्का लगाने में नाकाम है। देखते हैं कि वो कैसी बैटिंग करते हैं जी। टॉड हेंडरसन, जफर अख्तर, जफर अख्तर आपकी प्रोफाइल पिक्चर से मुझे नज़र आ रहा है कि आप हमारे अंकल हैं, जफर अख्तर। थैंक यू वेरी मच अंकल जफर अख्तर, थैंक यू। रिजवान एक बार फिर आए बॉल की, जमाल को कट शॉट, कैच होने का खतरा, अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन पे, फील्डर की एक रन मिल पाएगा, सुपर फील्डिंग। रिजवान अच्छे बॉलर हैं जी, रिजवान वोसो सुल्तान के, अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखते हैं टॉड एंडरसन उनको कैसे ट्रीट करते हैं जी। रिजवान बॉल करेंगे टॉड एंडरसन को, रिजवान आए बॉल की, अंपायर का इशारा ये है जी, वाइड बॉल, स्कोर हो गया है जी 29, टारगेट है 157, लंबा टारगेट है, लंबे लंबे छक्के मारने पड़ेंगे। पंजाब के बैट्समैनों को रिजवान एक बार फिर आए बॉल की, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीट हुए टॉड एंडरसन बाई का एक रन, स्कोर हो गया जी 30। अच्छा जी, अगला मैच जो मैं आपको बता रहा था जी, वो है जी बिटवीन रेड स्पार्टन और लॉय लाइन्स। रेड स्पार्टन के लिए डू और डाई मैच है जी, ये मैच उनको जीतना पड़ेगा अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद है जी आज का आखिरी मैच बिटवीन डडली बुलेट्स और लाई स्टार्स, इन दोनों टीमों के लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है जी। सेमीफाइनल के लिए तीन टीमें उम्मीदवार हैं जी, लेकिन सिर्फ दो टीमें क्वालिफाई करेंगी, रेड स्पार्टन्स, लाई स्टार्स और डडली बुलेट्स। इन तीन टीमों में से दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, देखते हैं कि कौन सी दो टीमें कंफर्म होती हैं जी। वेंसडे ग्रुप में से दो टीमें कंफर्म हैं जी, डडली सीसी और ऑस्टन सीसी, ये दोनों टीमें वेंसडे ग्रुप में से सेमीफाइनल में जा चुकी हैं जी। कैच होने का खतरा, लेकिन फील्डर के ऊपर से बॉल गई, चार रन्स। अच्छा जी, ट्यूसडे ग्रुप में से जो टीम टॉप पे आएगी वो खेलेगी वेंसडे ग्रुप के सेकंड आने वाली टीम के साथ, और जो ट्यूसडे ग्रुप में से सेकंड होगी टीम वो खेलेगी वेंसडे ग्रुप की टॉप टीम से। सो इस तरह है जी, फर्स्ट विल प्ले नंबर टू, टू विल प्ले नंबर वन फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। ये आपको बाद में कंफर्म करेंगे, अभी कंफर्म नहीं कि कौन सी टीम किसके साथ सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ दो टीमें कंफर्म हुई हैं जी सेमीफाइनल के लिए। और आज भी शायद शायद चांस है शायद कि दो टीमें कंफर्म हो जाएं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते जी। नफीस आ गए जी पांचवा ओवर करने के लिए पंजाब की तरफ से। नफीस बॉल करेंगे स्ट्राइक पे, जमाल, नफीस आए बॉल की, अच्छी बॉल, रन आउट होने का खतरा, लेग बाई का एक रन। टड आ गए जी स्ट्राइक पे, टड फेस करेंगे नफीस को, नफीस आए बॉल की, अच्छी बॉलिंग करें नफीस। टड अभी तक नफीस एक बार फिर बॉल करेंगे टड को, टड हेंडरसन, नफीस आए बॉल की, इस बार डी मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग है अवैस की, एक रन मिल पाएगा सिर्फ वोसो सुल्तान को। ताज़ी ताज़ी चाय आए जी, साथ साथ चाय भी पीते हैं। मोहम्मद उस्मान भाई, हाँ जी ब्रदर, हाउ आर यू? फाइन ब्रदर, हम ठीक हैं, थोड़ी ठंड है लेकिन ठीक है जी।
Mamma Latif. Walaikum Salaam, Mamma Latif bhai, how are you, brother? Where are you? You playing next? Your team match is next, brother. Come on. Nabeel Ali. Nabeel Ali Mastini. Mastini, brother. He's a very good bowler. Very good spin bowler. ICC ko dikhate hain jinki recording. Dekhte hain ki wo kya faisla karte hain. 2 minutes break hai ji. Hand synchronizing break. 2 minutes break. दूसरे मैच की टीमें ग्राउंड में आते हुए जी, रेडी स्पार्टन की टीम आ गई है जी, पहुंच गई है रेडी स्पार्टन की टीम ग्राउंड में. अच्छा मैच होगा जी, अगला मैच धुआंधार मैच होगा रेडी स्पार्टन और लाई लायंस के दरमियान. और आज का आखिरी मैच भी ज़बरदस्त मैच है जी, बिटवीन दो टॉप टीमों के दरमियान. ट्यूसडे ग्रुप की दो टॉप टीमें आज खेल रही हैं जी. आज का आखिरी मैच लाई स्टार्स और डेडली बुलेट्स. बॉलर नेम इब्रार. इब्रार हैं जी न्यू बॉलर. वो सो सुल्तान के न्यू बॉलर हैं इब्रार फ्रॉम टिप्टन. इब्रार एक बार फिर आए बॉल की. इब्रार लिंकन. इब्रार लिंकन नाम है जी इनका, निक नेम है जी लिंकन. ओके लतीफ भाई आ जाओ. इब्राहिम लिंकन एक बार फिर आए बॉल की. अच्छी शॉट इस बार जमाल की, ओवर लॉन्ग ऑन सिक्स. इब्राहिम स्कोर हो गया जी वोसो सुल्तान पंजाब का 44. इब्राहिम लिंकन एक बार फिर आए बॉल की. इस बार जमाल ने एक बार फिर छक्का लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. लेग बाय का एक रन मिलेगा जी. टारगेट है जी 157. 10 ओवरों में 157 रन बनाने. 157 रन बनाने जी पंजाब को. अभी तक उन्होंने बनाए जी 47. अच्छी शॉट टॉड एंडरसन की डीम विकेट से 4 रन. लाइट स्टार्स की टीम भी पहुंच गई है जी ग्राउंड में. टॉड हेंडरसन एक बार फिर फेस करेंगे इब्रार लिंकन को. इब्रार लिंकन आए बॉल की टॉड हेंडरसन को. एक और मिड विकेट की तरफ शॉट अवैस फील्डर. अच्छी फील्डिंग अवैस की डी मिड विकेट पे. एक रन का इजाफा पंजाब के स्कोर में जो हो गया जी 52. चार ओवरों में 100 रन चाहिए जी पंजाब को. 4 ओवरों में 100 रन चाहिए. टॉड हेंडरसन पूरी कोशिश कर रहे हैं छक्का लगाने की लेकिन अभी तक खासे कामयाब नजर नहीं आ रहे टॉड हेंडरसन. नफीस आ गए 7वां ओवर करने के लिए. नफीस बॉल करेंगे टॉड हेंडरसन को. नफीस आए बॉल की. अंपायर का इशारा वाइड बॉल. स्कोर है जी 52 आफ्टर 6 ओवर्स. पंजाब का स्कोर था जी 52. वालेकुम सलाम ज़ुबैर खान. शान अली भाई लाइव आपको राइट टॉप कॉर्नर पे हमारा लाइव आपको नजर आएगा जी. राइट टॉप कॉर्नर पे ड्रेस देखें आपको सब समझ लग जाएगी कि कहाँ हो रहा है मैच. मूसा शबीर यस नॉट दैट क्लोज यू राइट. नफीस अच्छी बॉलिंग करते हुए मोसो सुल्तान की तरह से. नफीस एक बार फिर बॉल करेंगे इस बार जमाल को. जमाल छक्का लगाने की पूरी कोशिश करते हैं देखते हैं. आए बॉल की. अच्छी बॉल नफीस की. रन आउट होने का खतरा और ये रन आउट कर दिया है जी नफीस ने जमाल को. सुपर एफर्ट बाय नफीस ऑन हिज ओन बॉलिंग. जमाल को कर दिया जी रन आउट.
पंजाब की तरफ से नए बैट्समैन आ रहे हैं जी, जुनेद यस मूसा नफीस एक बार फिर बॉल करेंगे टॉड हैंडरसन को। नफीस आए बॉल की, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और ये नफीस ने बॉल कर दिया जी पहली बॉल पे जुनेद को। जुनेद ने पूरी कोशिश की थी छक्का लगाने की लेकिन नाकाम रहे, बॉल हो गए जी। अच्छी बॉलिंग नफीस की, दूसरा ओवर करें नफीस, सिर्फ एक चौका लगाया दो ओवरों में नफीस को, सुपर बॉलिंग। बैट्समैन नेम, बैट्समैन वकार, वकार है जी वो बैट्समैन, पंजाब के नए बैट्समैन आ गए जी वकार। नफीस एक बार फिर बॉल करेंगे वकार को। नफीस आए बॉल की, अच्छी शॉट वकार की, कैच होने का खतरा, अच्छा कैच अवैस का, दूसरी विकेट ले लिया जी इस ओवर में नफीस ने। वकार हो गए जी आउट, अच्छी शॉट थी लेकिन बाउंड्री क्लियर करने में नाकाम रहे वकार और बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गए जी वकार। हैट्रिक चांस, हैट्रिक चांस आ गए जी नफीस के लिए, देखते हैं कि वो इसलिए कि पहली हैट्रिक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। इससे पहले भी दो तीन बॉलरों को चांस मिला था लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। डेली सीसी के यंग बॉलर जैन भी हैट्रिक के करीब थे लेकिन डी मिड विकेट के फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया था उनका, सो वो हैट्रिक करने में नाकाम रहे थे। देखते हैं आज नफीस इसलिए कि पहली हैट्रिक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। आने वाले बैट्समैन है मेरे ख्याल से वरुण। शुएब भाई, शुएब भाई ना पूछे ना, फराज सॉरी जी, नए बैट्समैन है फराज। हैट्रिक चांस है जी नफीस के पास, फराज ऑन स्ट्राइक, देखते हैं फराज नफीस हैट्रिक बॉल। नफीस आए बॉल की फराज को और इस बार फराज का लंबा छक्का ओवर लॉन्ग ऑन, सुपर शॉट बाय फराज, पहली बॉल पे चक्का लगा दिया नफीस को। हैट्रिक का चांस था लेकिन फराज ने इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा और पहली बॉल पे आते साथ लंबा छक्का, स्कोर हो गया जी 65 फॉर 4। साजिद नज़ीर आ गए जी आठवां ओवर करने के लिए। साजिद नज़ीर आए जी बॉल की, इस बार ओवर डीप मिड विकेट लंबा छक्का, पहली बॉल फुल टॉस बॉल कराई है जी साजिद नज़ीर ने। साजिद नज़ीर टॉप सेवन बॉलर्स में शामिल है जी इस लीग के।
8 विकटें अभी तक साजिद नजीर ने ले चुके हैं। देखते हैं कि टॉप बॉलर जो हैं उनकी 11 विकटें हैं। साजिद नजीर बॉल करेंगे टॉड हैंडरसन को। साजिद नजीर आए बॉल की, ओ टॉड हैंडरसन हर शॉट शॉट जो है वो टीम मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इनकी ये फेवरेट जगह है छक्का लगाने की। देखते हैं कि इस बार कोई वो अपना आइडिया चेंज करते हैं या नहीं। इस बार कैच होने का खतरा, जुकी, और ये जुकी ने ड्रॉप कर दिया जी। कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया जी इस जुकी का ड्रॉप। एक और अच्छी शॉट फ्रास की, अच्छी फील्डिंग वकास की, दो रन का इजाफा पंजाब के स्कोर में। फ्रास अच्छे बैट्समैन नजर आ रहे हैं। देखते हैं जी कोई इस बार इस ओवर में कोई छक्का लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। साजिद नजीर आए बॉल की, बीट हुए फ्रास। साजिद नजीर एक बार फिर बॉल करेंगे फराज को। साजिद नजीर आए बॉल की, अच्छी शॉट इस बार, एक बार फिर ओवर वाइड लॉन्ग ऑन, सिक्स रन्स, सुपर बैटिंग बाय फराज। फराज को अर्ली भेजना चाहिए था, पंजाब के कैप्टन को थोड़ी देर कर दी जी पंजाब के कैप्टन ने। स्कोर हो गया जी 81 आफ्टर 8 ओवर्स। आ जा तोफ, याद रखी हो तोफ, याद रखी कितने गई बॉल। इब्रार लिंकन, इब्रार लिंकन एक बार फिर बॉल करेंगे इस बार टॉड हैंडरसन को। इब्रार लिंकन आए बॉल की, और फुल टॉस बॉल, डी मिड विकेट पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन। अपर गई अपर, रिजवान भाई थोड़ा और आगे जाओ और ऊपर, दैट्स इट। इब्रार लिंकन बॉल करेंगे जी टॉड हैंडरसन को। इब्रार लिंकन आए बॉल की, इस बार फिर मिड विकेट पर खेलना चाहते थे टॉड हैंडरसन, बीट हुए। 9वें ओवर का खेल जा रही है जी। इब्रार कियानी आए बॉल की, अच्छी कट शॉट, फील्डर गेंद के पीछे लेकिन उनको रोकने का कोई मौका नहीं, 4 रन। इब्रार लिंकन, स्कोर हो गया जी 89। इब्रार लिंकन एक बार फिर आए बॉल की, टॉड हैंडरसन को फुल टॉस बॉल, एक और अच्छी शॉट डी मिड विकेट पे अवैस, लेकिन बॉल रोकने में नाकाम रहे, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जुकी ना टाइम जाया कर, एक ओवर है ना जुकी रहा मुकाओ, छोड़ हूं कीपिंग कर ना 10 ओवर के ही। स्कोर हो गया जी
फ्राज अगर ओपनर आते तो मैच का नक्शा कुछ और होता, लेकिन अंपायर ने इनको लेट भेजा है जी। आफ्टर 9 ओवर्स पंजाब का स्कोर है जी पूरा 100। आखिरी ओवर करने के लिए आए जी साजिद नजीर, आए बॉल की अच्छी शॉट इस बार, ओवर लॉन्ग ऑन 6 रन्स। टॉड हैंडरसन की अच्छी शॉट, पहली बॉल पे छक्का। स्कोर हो गया 106। साजिद नजीर एक बार फिर आए बॉल की टेड एंडरसन को, ओ स्कूप शॉट खेलना चाहते थे टेड एंडरसन, बीट हुए। अच्छी कीपिंग जुकी की। साजिद नजीर एक बार फिर बॉल करेंगे टेड एंडरसन को, आए बॉल की लेग बाय का एक रन। ओके कैप्टन ने लेट सेंड किया जी, सॉरी। ऑफ कोर्स अच्छी शॉट फराज की, एक बार फिर लंबा छक्का जी। फराज को जितनी दाद दीजिए कम है, सुपर बैटिंग की है फराज ने। कैप्टन पंजाब के डीले रहे जी, उन्होंने फराज को लेट भेजा जी आज, वरना तो ये मैच जीत सकते थे। नेवर माइंड पंजाब। एक और अच्छी चाड़ी, इस बार कैच होने का खतरा है जी, देखते हैं कि कौन सा फील्डर कैच करता है। दोनों फील्डर के दरमियान बॉल गिरी जी, एक रन का इजाफा पंजाब के स्कोर में। राजा फैसल पीटीआई, नेक्स्ट मैच इज रेडी स्पार्टन जी, यस वेरी इंपॉर्टेंट मैच, लेट्स सी हु विंस। साजिद नजीर बॉल करेंगे टॉड हैंडरसन को, अच्छी शॉट स्ट्रेट हिट 6 रन्स। अच्छी हिटिंग की एंड पे पंजाब के बैट्समैनों ने, लेकिन बस टू लिटल टू लेट फॉर देम। सो ये मैच जीत लिया जी वोसल सुल्तान ने, वेल डन वोसल सुल्तान। अच्छा जी, अगला मैच आ गया जी, धुआंधार मैच बिटवीन रेड लायंस और रेड स्पार्टन्स के दरमियान। ओके बॉयज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये जी टिकटॉक स्टार फैसल साहब। ये आ गए जी टिकटॉक स्टार फैसल, फैसल से मिलते हैं जी। फैसल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या सर जी, ये पिच कैसी खेल रही है आज? पिच आज बेहतरीन। अच्छा, लवली सरफेस, टाइम बहुत दूर दूर जानी थी, आज बड़ा मजा आया। अच्छा, सो वेल डन टू वोसल सुल्तान। जुकी शबीर भाई, अपनी टीम के बारे में बताएं कि कैसी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल इस लीग में आपकी टीम की जी? अल्हम्दुलिल्लाह, परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेरी गुड, जस्ट अ फ्यू स्लिप अप्स। अपनी बॉलिंग बोलो। नो नो, डोंट वरी कैरी ऑन, फ्यू स्लिप अप्स, बट इंशाल्लाह वी विल कम बैक स्ट्रांग एंड नेक्स्ट सीजन we will have a even better season inshallah. Well done boys, played amazing today. Okay, well done thank to Vosso Sultana and good luck for next season. Thank you very much everyone. ye the ji Vosso Sultan ke captain aur unke batsman Faisal. Acha boys, we will see you back live in next 5 minutes for our next crucial match between Red Spartan and Lai Lions. So milte hain ek break ke baad, आफ्टर रफली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में आपको मिलते हैं सबको, आप सबका साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे इन 5 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस लाइव, टेक केयर, सी यू इन 5 मिनट्स, अल्लाह हाफिज़।